बिस्मिल्लाह रन रही तो इन रिस्क मैनेजमेंट वी टॉकिंग अबाउट क्रॉस हेज क्रॉस हेज इज़ यूज्ड टू मैनेज रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन टू पॉजिटिवली कोर रिलेटेड सिक्योरिटीज दैट सिमिलर प्राइस मूवमेंट एम क्या है एम हमारा डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट ही है लेकिन जो हमारी पर्टिकुलर नीड है या हमारी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ हैं उसकी या तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है डेरेविटिव अवेलेबल नहीं है या उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है तो इन दैट सर्कमस्टांसिस वट वी डू इज वी लुक फॉर सम ऑल्टरनेट जो कि हमारे एसिड से को रिलेटेड हो और हम उसके थ्रू अपने आप को हैज कर देते हैं तो कि हम एग्जाम्पल भी हम बात करेंगे अगर फॉर सिम्पलिसिटी आपके पास कुछ यन में पोजिशन है कि आप येन में आपको कुछ कैश रिसीव होना है एंड यू वॉन्ट टू हैज योर सेल्फ लेकिन अब आपने जब मार्केट चेक की तो येन में आपको कोई डेरेवेटिव मिला नहीं जो कि उसको हैज के लिए प्रोडक्ट दे तो देन यू सी के जी येन की को रिलेशन किस करेंसी के साथ ज़्यादा है तो फॉर एग्जांपल वो डॉलर के साथ बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है और आपको डॉलर की प्रोडक्ट मिल रही है तो so आप उस प्रोडक्ट के थ्रू अपने आप को हेज कर सकते हैं तो दिस इज रेफर टू आज क्रॉस हैज जिसके हम फर्दर बात भी करते हैं इन्वेस्टर टेक अपोजिंग पोजिशन इन ईच इन्वेस्टमेंट इन एन अटेम्प्टू रिड्यूस रिस्क ऑफ होल्डिंग जस्ट वन ऑफ द सिक्योरिटीज जो आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं उनको हैज करने के लिए यू टेक पोजिशन इन सम Other, uh, जो ऑप्शंस ताकि आपको वो सेफ गार्ड कर सके फ्रॉम द फॉल एन एग्जाम्पल वुड बी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ वीट फॉर डिलीवरी इन टू मंथ्स इन ऑर्डर टू ऑफसेट एग्जिस्टिंग कैश पोजिशन इन ओट्स के आपके पास ओट्स में कैश पोजिशन है आप अपने उसको सेफ गार्ड करने के लिए ओट्स में आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रही वो डेरेवेटिव नहीं अवेलेबल तो आप वीट में ले लें कि क्योंकि इनके आपस में एक अच्छी लेवल की को रिलेशन है तो वो उससे आपका जो पर्पज़ है वो हल हो जाएगा ऑल दो ट्यू सिक्योरिटीज आर नॉट आइडेंटिकल दे हैव इनफ कोरिलेशन टू क्रिएट अज पोजिशन प्रोवाइडिंग प्राइस मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन क्योंकि आपका एग्जाम्शन भी ये है कि उनकी कोरिलेशन है और आपका ख्याल है कि ये एक डायरेक्शन में मूव करेंगी तो आपने ओट्स को अपने सेफ गार्ड करने के लिए पोजिशन आपने व्हीट्स के थ्रू उसको रूट कर लिया तो दिस इज हाउ द साइकिल वेन यूजिंग क्रॉस हेज द मच्योरिटी ऑफ द टू स्क्योरिटीज़ मस्ट पक्वल डेफिनेट बात है जो पीरियड आप रखें दैट हैज़ टू बी सेम अदरवाइज वो फिर उसको पर्पज़ टू सॉल्व नहीं करेगी तो टाइम लाइन जो है दैट शुड भी सिमिलर इन अदर वर्ड यू कैन नॉट हैज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट विद शॉर्ट टर्म आपकी एक पोजिशन थ्री मंथ्स की है और उसको आप टू ईयर्स के इंस्ट्रूमेंट से हैज करें वो लॉजिकल नहीं है वो अपना मेन परपज सॉल्व नहीं करेगा पीरियड्स शुड बी सिमिलर बोथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव टू हैव सेम मचोरिटी फिर ये आपका साइकिल मूव करेगा पर्पज ऑफ यूजिंग क्रॉस हेज यूजिंग क्रॉस हेज इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस दैट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस रिस्क तो एक हमारी तरह की इंश्योरेंस ही हम ले रहे हैं ताकि हमारे रिस्क को कम कर दे ताकि हमें सेफ गार्ड कर दे फ्राम एडवर्स मूवमेंट तो ये मेन एम है डायरेक्ट हैजिंग पॉसिबल नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव है देन यू लुक फॉर क्रॉस हैजिंग डज नॉट एलिमिनेट द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इट जस्ट सॉफर द नेगेटिव इफेक्ट टू द इन्वेस्टर यानी कि आपका जो बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता था वो उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा मटेरियलाइज कर देगा एलिमिनेट नहीं करता फिर भी क्योंकि सम रिस्क विल स्टिल देर और स्पेसिफिकली जब क्रॉस हेज आएगी तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा लेकिन काफ़ी हद तक वो रिड्यूस हो जाएगा पर्पज़ ऑफ यूजिंग क्रॉस हैज टिपिकली हैजिंग इन्वॉल्व इन टू सिक्योरिटीज दैट हैव नेगेटिव कोरिलेशन एक पॉलिसी ये भी है कि आप नेगेटिवली को ले रहे हैं कोरिलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप नेगेटिवली को रिलेटेड पोजिशन ले लें कि एक अगर आपकी प्राइस एसेट में फॉल आए तो दूसरे में राइज आ जाए और वो उसको कम्पनसेट कर दे नेगेटिव को रिलेशन मीन्स टू सिक्योरिटीज़ मूवज इन अपोजिट डायरेक्शन कि वो एक अगर गिर रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी तो आपको अगर एक तरफ से लॉस हो रहा है तो यू विल गेट कम्पनसेटेड फ्रॉम द अदर साइड तो ये ब्यूटी है क्रॉस की हम इस पर फर्दर मॉड्यूल्स में बात भी करेंगे इसकी लिए भी करेंगे तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंड थैंक यू